अब मैं इसमें मुख्तसर जवाब आपको देता हूँ। हमारी अहले सुन्नत की कुतब भरी पड़ी है, चाहे बेहकी को पढ़ ले, अल्फाज के रद्दो बदल के साथ बुखारी से लेकर तबरानी तक, ये बड़ी मरूफ रवायत भी है और वाकया भी आपने सुना होगा, जिसको दाफ़ज़ुल अशीरा कहा जाता है। वो तीन रोज जो चली है, तो जो आखिरी दिन हजूर अलैहि सलाम का खुतबा है वो क्या है, जब मौला अली अलैहि सलाम खड़े होकर हजूर अलैहि सलाम की नबूवत और रिसालत की उन्होंने तस्दीक की, गवाही दी, उसके बाद सारे मक्का के सरदार वडेरे उधर मौजूद है, अबू लहब, अबू जहल, उतबा, वलीद, शैबा, अबू सुफयान एंड कंपनी सारे उधर बैठे हुए। तो हजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, इन्ना हाजा अलीयन वसी व खलीफाती। ये मुस्तनद रिवायत, मैं अभी तो बता रहा हूँ आपको कि मैं आपको 150 किताबें देता हूँ, मेरे आका ने फरमाया ये मेरा भाई अली, मेरा वसी भी है और मेरा खलीफा भी है। ये कब कह रहे हैं? उस वक्त फरमा रहे हैं हजूर, ना उस वक्त हज़रत बकर सिद्दीक की खिलाफत थी, ना हज़रत उमर बिन खताब की खिलाफत थी, ना उस्मान बिन अफान की खिलाफत थी रज़ी अल्लाहु अन्हुम। उस वक्त तक तो इन तीनों ने भी कलमा भी नहीं पढ़ा था। जब हजूर फरमा रहे हैं कि अली मेरा खलीफा भी है और मेरा वसी भी है, और इमाम दैलमी मुस्नद अल फिरदौस में जो रवायत लेके आखिरी देता हूँ, फिर अगला सवाल लेंगे, वो क्या रवायत है जिस हदीस का नंबर है 5066 5066 इमाम दैलमी मुस्नद अल फिरदौस अहले सुन्नत के सर का ताज। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया की अरवाह को तख्लीक किया तो उनसे खताब किया, पहला जुमला फरमाया आना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा रब हूं। ये सोचे कि खिताब किन से हो रहा है? अंबिया से। हाजा मोहम्मद नबीयुकुम, ये मोहम्मद तुम्हारा नबी, नबियों का भी नबी। और तीसरा जुमला हाजा अलीयुन अमीरुकुम व मौलाकुम, ये अली तुम्हारा अमीर भी है और तुम्हारा मौला भी है। ये कहा?